हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ। इस समय महामारी के प्रकोप से आप और हम सभी बहुत डरे हुए हैं। ये समय बेहद सजग रहने का है। इस समय यही समझ नहीं आता है कि सब्जी और फलों को बाजार से लाने के बाद इन्हें धोने और रखने का सही तरीका क्या है, कैसे इन्हें वायरस फ्री या डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, सब्जियों को धोने का ऐसा क्या तरीका हो कि इससे संक्रमण भी चला जाए और इसके विटामिन ना जाएं, इसके तत्व सुरक्षित रहें। इसके लिए इस महामारी के चलते हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को हमेशा के लिए अपने लाइफस्टाइल में लाना होगा, क्योंकि बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। इसीलिए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम खाने पीने की चीज़ों में सफाई का विशेष ध्यान रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग तो इसका सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका होता है रनिंग वाटर में सब्जियों को और फलों को धोना। चलते हुए पानी में सब्जी और फलों के ऊपर जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत आसानी से हट जाते हैं। जो वायरस होते हैं वो भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। जिनके यहाँ हर वक्त पानी नहीं आता है, रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है, वो लोग फल और सब्जियों को किस तरह से धो सकते हैं, आज यही तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। रनिंग वाटर के अलावा आप हल्के गुनगुने पानी में भी 5-6 घंटे सब्जियों को भिगोकर रख सकते हैं। इससे भी ये बिल्कुल अच्छे से वायरस फ्री हो जाती है, बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। इस तरह से अगर आपके यहाँ पानी की कमी है या सब्जियों को भिगाकर रखने के लिए आपके पास समय नहीं है तो आप एक ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है। मार्केट से जब भी आप कुछ भी सामान लेकर आए, चाहे वो ग्रोसरी का हो चाहे फल और सब्जियां हो, आप उसे डायरेक्ट लेकर किचन में ना जाएं, उसे बाहर ही कहीं रख दें। हाथों को अच्छे से एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। वो प्लास्टिक बैग्स जिनमें हम सब्जियां फल लेकर आए हैं उनको बाहर फेंक दें। अगर आप कपड़े के थैले का यूज करते हैं तो उसे तुरंत धोकर डालें, और जिस बर्तन में आप फल या सब्जियों को धोकर रख रहे हैं उसे भी बहुत अच्छी तरह सैनिटाइज कर लें, अच्छे से साफ कर लें, और जिस जगह पर भी आपने ये काम किया है, जहां आपने फल और सब्जियों को धोया है, बाद में उस जगह को भी अच्छी तरह से सर्फ या साबुन से धोकर साफ कर लें। कम पानी में सब्जियों को वायरस फ्री करने का ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ये सैनिटाइजर लेंगे और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करेंगे। अच्छे से हमें अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना है। अब हमने ये नॉर्मल पानी लिया है, ये करीब 1 लीटर पानी है, और इसमें हम डालेंगे ये बेकिंग सोडा। ये करीब हम 4-5 ग्राम बेकिंग सोडा इसमें डाल रहे हैं। आप 5 लीटर पानी में करीब 20 ग्राम बेकिंग सोडा का यूज कीजिए। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप किसी भी तरह के विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में करीब हम आधा ढक्कन विनेगर का यूज करेंगे। अब हमें सब्जियों को लेना है और इस बेकिंग सोडा वाले पानी में अच्छे से इस तरह से धोना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी को डालते हुए और अच्छे से, जिससे कि हमारी सब्जी पर किसी भी तरह का कोई वायरस या केमिकल ना रहे। और ये हमने एक और अच्छा फ्रेश पानी लिया है, इसमें हम इसको डालते जाएंगे। बेकिंग सोडा की हेल्प से सब्जियां बहुत अच्छी तरह वायरस फ्री हो जाती हैं और हमें संक्रमण होने से बचाती हैं। किसी भी तरह के साबुन से, सैनिटाइजर से, हैंड वॉश से सब्जियों को नहीं धोना चाहिए। आप कहेंगे कि साबुन से तो वायरस भी मर जाता है। अगर ऐसा ही होता तो किसान खेतों में साबुन को पेस्टिसाइड की तरह यूज करते। साबुन का छोटा सा कण भी हमारी बॉडी में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। साबुन हमारी बॉडी में जाकर हमारे सिस्टम को बहुत हानि पहुंचाता है। साबुन का इस्तेमाल हमें सब्जी धोने के लिए नहीं करना है। इसी तरह से सब्जी धोने वाले जो वेजी वॉश मार्केट में आते हैं उनसे भी कहीं अच्छा रिजल्ट विनेगर और बेकिंग सोडा से सब्जी धोकर आता है। इस तरह से फल और सब्जियों को धोकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं कि किसी भी तरह का वायरस फल और सब्जियों के थ्रू आपके घर में एंटर भी करेगा। इस तरह से सब्जियों को धोकर सब्जियां बिल्कुल अच्छे से वायरस फ्री हो जाती हैं और हमें किसी भी तरह का संक्रमण नहीं हो पाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नमक के पानी से भी सब्जियों को धोकर आप उनको अच्छे से साफ कर सकते हैं, लेकिन नमक के पानी में आप सब्जियों को जब धोते हैं तो इनकी फ्रिज लाइफ कम हो जाती है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको सब्जियों को तुरंत यूज करना है तो ही आप उनको नमक के पानी में धोइए। अगर आप उनको नमक के पानी में धोकर कुछ दिन रखना चाहते हैं, फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं, तो वो लंबे समय तक फ्रेश नहीं रहती हैं। इसलिए ये बेकिंग सोडा वाला जो तरीका है सब्जियों को धोने और साफ करने का, ये बहुत इफेक्टिव भी है और इससे सब्जियां काफी लंबे समय तक इसी तरह से फ्रेश रखी रहती है। पत्ती वाली हरी सब्जियों को भी हमें इसी तरह से इसमें अच्छे से डिप करना है और फिर फ्रेश पानी में इनको धो लेना है। अब इन सब्जियों और फलों को
हम इस तरह से साफ पानी में भी अच्छी तरह से धोकर किसी जाली वाली टोकरी में रख देंगे करीब 5 मिनट के लिए, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और बस अब हमें सारी सब्जी को एक कॉटन के कपड़े पर इस तरह से फैला देना है। आप किसी टॉवल का यूज भी कर सकते हैं और करीब 15 मिनट में ये सब्जी हमारी सूखकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इस महामारी में ऑक्सीजन लेवल को घर में ही बढ़ाने के घरेलू उपायों का, अचानक बॉडी में ऑक्सीजन लेवल के कम हो जाने के कारण का, खांसी जुकाम और कफ को एक खुराक में ही दूर करने का वीडियो हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मार्केट से लाने वाले ग्रोसरी के सामान को भी डिसइंफेक्ट करने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम जल्दी ही आपके लिए वो वीडियो भी शेयर करेंगे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन यूट्यूब, लाइक नवरत्न रसोई ऑन फेसबुक एंड फॉलो नवरत्न रसोई ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।